अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है समर अली, आप देख रहे हैं समर चैनल। तो आज का सीन ये है कि आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेट उठा हूँ। कल मैं तकरीबन 11:30 बजे तक उठा था और आज मैं तकरीबन 1:30 बजे तक उठा था। ना मैं स्टूडियो गया और नमाज वगैरह पढ़ के मैं फिर लेट गया। मेरा रोज़ा भी था, आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और ये रोज़ा भी लग रहा था, तो इसलिए मैं कहीं नहीं गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का कोई सीन नहीं होगा। अभी मेरे पास आ रहा है अली और हम अली ने मुझे कहा कि स्विमिंग पूल चलते हैं। तो मैंने वैसे भी छुट्टी की थी स्टूडियो से आज, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। बस अभी आ रहा है तो फिर सीधा वहीं निकलते हैं, वहाँ से स्टूडियो स्विमिंग पूल जाएंगे, थोड़ा वहाँ बहुत चिल वगैरह करेंगे और उसके अलावा वहीं से वापसी भी इफ्तारी की चीज़ें भी ले आएँगे। फिर घर आ के ख़ुद ही इफ्तारी बनाएँगे, इफ्तारी भी ना खुद ही बनाएँगे, ताकि जो आज की मेरी रूटीन ख़राब हुई है ना, इस आज मैं स्टूडियो नहीं गया, वो कवर हो सके। रेडी हूँ, कपड़े यही पहनने, बस वहाँ जाके पजामा पहन लेंगे, जाके नहाएंगे और अब सीधा आपसे मैं वहीं मिलता हूँ। अपने बस एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम स्विमिंग पूल पहुँचे हैं और मज़े की बात यह है कि अली का प्राइवेट स्विमिंग पूल है। अली ने मुझे कहा था जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कोई भी नहीं है, दिखाओ ज़रा यार, बिल्कुल खाली है। असल में ये हुआ है कि असर हो गई है और सब चले गए और हम लोग बाद में आए हैं सिर्फ इसकी वजह से। तो हमें थोड़ी ठंड भी लग रही है और ये है हमारे कैमरा मैन अली जो हमें लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भाई? कुछ भी नहीं, मज़ा आ रहा है। हाँ बहुत बहुत, और अच्छा स्विमिंग पूल है, बुरा नहीं है। यहाँ पे 5'8" तकरीबन 6 फुट के तकरीबन आई है और ये बच्चों के लिए, अली जैसे बच्चों के लिए 3 फुट 6 इंच। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अली जैसे बच्चों के लिए है और ये मेरे जैसे एडल्ट के लिए है। ना वो वैसे ही चश्के पूरे है भाई। चश्के पूरे लेकिन मान आने से पहले जितना मेरे को रोज़ा नहीं लग रहा था ना, अब मुझे नहाने के बाद रोज़ा लग रहा है। हालत टाइट हो गई है, जितनी भी एनर्जी थी सारी ज़ाया कर दी है नहाना के। और कितनी देर हो गया है मेरे को? घंटा होने वाला तकरीबन, ज़्यादा हो गया घंटे से। हाँ जी, स्विमिंग पूल से सीधा जब मैं घर आया तो मैं इतना थका हुआ था और मुझे इतना सख्त रोज़ा लग रहा था ना कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वापसी में मैंने 2-3 मतलब फ्रूट चाट वगैरह पकड़ ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेके मैं घर आ गया और आके मैं थोड़ी देर लेट गया था नमाज वगैरह पढ़ के। फिर इफ्तारी की, इफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी, फिर मैं लेट गया। फिर अभी जाके मैं थोड़ा मतलब थोड़ी मुझ में एनर्जी आई है, फिर मैं नहाया हूँ। और ये आपको जो मेरी कमीज इस तरह लग रही है, ये मैंने ख़ुद प्रेस नहीं की, क्योंकि मैंने 5 मिनट क्राफ्ट वाले हैं ना, उनकी एक वीडियो देखी थी, बिना शर्ट को प्रेस किए सिर्फ ड्रायर की मदद से आप अपनी मतलब अपने अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई करते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं से भी प्रेस नहीं हुई हुई। मैंने सीधा नहा के मैंने फ़ौरन ये पहन लिया। तो अब मैं इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वीडियो। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह आराम से आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं बग़ैर इस्त्री किए। तो ठीक है, वहाँ पर ड्रायर मौजूद है और बस मैंने जो शर्ट पहनी हुई, सबसे पहले मुझे सिर्फ कमीज़ को गीला करना है और फिर ड्रायर से इसको मैंने प्रेस करना है। तो मैं इसे ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी, तो कमीज़ गीली हो गई है और ड्रायर हमारा चल रहा है। बड़ी गर्म हवा मार रहा है, ये जला ना देखें।
अब सिंपली इस वीडियो में इसमें कमीज गीली है ना, तो पहले पता नहीं चलता, शुरू में 2-3 सेकंड तक बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर जैसे जैसे ये गर्म हवा लगती है ना तो अंदर से बिल्कुल कबाब बना लिया इसने मेरा। या अब आया ना मज़ा, कपड़े वगैरह प्रेस हो गए और हाँ जी, तो 5 मिनट क्राफ्ट वालों का आइडिया बड़े बुरे तरीके से फेल हुआ है। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।